फाइव गई सिंगम अगेन के बाद कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 3 का शानदार ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स की तरफ से जयपुर के राजमंदिर सिनेमा में इस मूवी का भव्य ट्रेलर लॉन्च किया गया है। चंद घंटों में मूल भूल भुलैया 3 का इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर बड़ा बस क्रिएट कर लिया है, जिसे देखकर फैंस के एक्साइटमेंट मूवी के लिए काफी बढ़ गई है। डायरेक्टर अनीस बज्मी की इस मूवी के ट्रेलर में ध्यान देने वाली बात अगर कुछ है तो वो है मूवी में मौजूद मजेदार डायलॉग है, जिनको सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड मूवी भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है, जो 3 मिनट 50 सेकंड के ट्रेलर में डर के साथ खूब सारी कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। कार्तिक आर्यन के साथ इस बार मूवी में तृप्ति डिमरी नजर आ रही है। इस बार उनकी असली मुश्किल बढ़ाने के लिए एक नई दो दो मंजुलिका आ रही है। एक विद्या बालन जो उनकी पुरानी मंजुलिका है, जो फर्स्ट सिक्वल में थी, दूसरे सिक्वल में नहीं थी और अब तीसरे सिक्वल पे वापस आ गई है। इसके बाद माधुरी दीक्षित भी इसमें मंजुलिका का रोल करती हुई देखने को मिल रही है। रक्त घाट के इतिहास का वो काला सच, सिंहासन के लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में सुलझ रहा है अतीत, आज भी जिंदा है। साल की शुरुआत से मंजुलिका का इंतजार किया जा रहा था, वो अब जाकर कम हुआ है। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड मूवी भूल भुलैया का धांसू ट्रेलर आ चुका है और मूवी में कार्तिक आर्यन के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी समेत कई स्टार नजर आए हैं। 3 मिनट 50 सेकंड के ट्रेलर में जितनी कॉमेडी देखने को मिल रही उतना ही डर का माहौल भी है। दिवाली पर पूरा माहौल सेट होने वाला है, क्योंकि इस बार एक नहीं दो दो मंजुलिका होगी और इनका सामना रूप बाबा को करना होगा। पर यह राह कार्तिक आर्यन के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि इस दिन अजय देवगन की सिंघम अगेन भी आने वाली है। शुरुआत होते ही उस दरवाजे से जहाँ मंजुलिका को कैद किया गया था, उसी स्वैग के साथ कार्तिक आर्यन एक बार फिर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का एक लव एंगल भी देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर के पहले हिस्से में खूब सारी कॉमेडी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरे पार्ट में असली डर शुरू होता है जब 2 मिनट 16 सेकंड पर माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है। आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और दूसरी मंजुलिका यानी माधुरी दीक्षित को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, पर उन्हें देखकर भूत वाली वाइब नहीं आ रही है। वहीं जब वो मंजुलिका कहकर चिल्लाती है तो उनका चेहरा देखकर पता लगता है कि वो एक्स्ट्रा इफेक्ट मार रही है। 2 मिनट 42 सेकंड पर एक ऐसा सीन आया जहां पर विद्या बालन ने माधुरी दीक्षित के बाल पकड़े हुए हैं और उन्हें खींचकर ऊपर की तरफ ले जाती है, वहीं उन्हें ऊंचाई से फेंक देती है। ट्रेलर देखकर लगता है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित मिलकर रू बाबा के खिलाफ कोई गेम प्लान बना रही है। जो दिखा रही है वो सच नहीं है, सिर्फ छलावा है। ट्रेलर में उतना दम नहीं है जैसे फैन को उम्मीद थी। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की कहानी में कुछ नयापन नहीं दिख रहा है। अब शायद मूवी पूरी आ जाए उसके बाद ही पता चल सकता है। तो दोस्तों, आपने ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आप मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।